टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोग्निटिव स्टाइल्स कोग्निटिव स्टाइल्स या रनिंग स्टाइल्स किसी भी इंडिविजुअल का प्रैफर वे होते हैं कि वो चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करता है और चीज़ों को कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन करता है कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और वो खुद डायरेक्ट रीड करके उन्हें याद होती हैं और कुछ लोगों को सुनने से याद होता है और कुछ लोगों को टीचर साथ साथ बताते जाते हैं तो उन्हें याद होता जाता है ये सारे जितने भी मतलब वे होते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के ये सारे कोगनीटि स्टाइल्स होते हैं कोगनीशन मीनस टू अंडरस्टैंड समथिंग इन ओन वे इसके थ्री टू फोर मेजर टाइप्स हैं कंक्रीट लर्निंग स्टाइल एनालिटिक लर्निंग स्टाइल कम्युनिकेटिव लर्निंग स्टाइल और अथॉरिटी ओरिएंटेड स्टाइल जो कंक्रीट लर्निंग स्टाइल होते हैं इस तरह में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो चीज़ों को खुद पढ़ते हैं फिर उन्हें याद होता है ये एक्टिव लर्नर्स होते हैं और ये इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं जो इमिटेड वैल्यू रखती हो या जिसकी मतलब उनको जल्दी से जल्दी उनको वैल्यू मतलब उनको फील होना शुरू हो जाए या उनको फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाए ये स्पॉन्टेनियस होते हैं क्यूरियस होते हैं चीज़ों को खुद खुद करने के आदि होते हैं और इनको वैरायटी पसंद होती है और मतलब चीज़ों को एक रूटीन से हटकर काम करने वाले होते हैं इनको डेली की जो रूटीन होती है बोरिंग लगती है और ये मतलब चीज़ों को चेंज करके करना पसंद करते हैं और ज़्यादातर इनको औरल एक्टिविटीज़ में मतलब इंटरेस्ट होता है ये रिटर्न एक्टिविटीज़ की तरफ इतना नहीं काम प्रेफर करते और इनको विजुअल एक्सपीरियंसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दे लाइक टू तो बी इंटरटेंड एंड लाइक टू तो बी फिजिकली इन्वॉल्व इन लर्निंग इनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है एनालीटिक लर्निंग स्टाइल वाले जो होते हैं ये होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करते और इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है ये चीज़ों को लॉजिक बेस्ड करने के आदि होते हैं मतलब चीज़ों के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं ये सीरियस पीपल होते हैं और ख़ुद को हार्डवर्क करने की तरफ पुश करते हैं और ये मतलब बोल टू फेलियर और इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन लर्निंग स्टाइल कम्युनिकेशन लर्निंग स्टाइल ऐसे लोग होते हैं मतलब ये ऐसे लोगों का स्टाइल होता है जो किसी को सुन के याद करने की आदी होती है ये डिस्कशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ग्रुप एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं इसके बाद आ जाते हैं अथॉरिटी ओरिएंटेड लर्निंग स्टाइल्स ये ऐसे लोगों का लर्निंग स्टाइल होता है जो मतलब किसी अथॉरिटी को मतलब प्रेफर करते हैं कि उन्हें कोई बताने वाला हो फिर वो याद करें और ये डिपेंडेंट होते हैं रिस्पॉन्सबल टाइप के भी पर होते हैं और ये इनको बिल्कुल एक सिक्वेंटल प्रोग्रेशन चाहिए होती है मतलब एक सीक्वेंस चाहिए होता है कि किस काम को पहले करें और किस काम को बाद में करें और इनको मतलब टीचर चाहिए होता है कोई अथॉरिटी फिगर चाहिए होता है जो तो बताया कि किस तरह किस काम को करना है दे लाइक टू हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड टू नो एग्जैक्टली वाट दे आर डूइंग दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद कंसेन बिल्डिंग्स डिस्कशन इसके बाद आ जाते हैं बिटकिन के अलावा दो और कोगे स्टाइल्स भी होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट स्टाइल और फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल फील्ड इंडिपेंडेंट स्टाइल में लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये ज़्यादा डोमिनस होता है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंस होते हैं ये किसी भी इंफॉर्मेशन के पार्ट्स और डिटेल्स को एज ए होल डील करते हैं और ये ज़्यादा रेशनल होते हैं लॉजिकल होते हैं और इनके ब्रेन की जो मैथमेटिकल साइड होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है ये लोग लर्निंग के प्रोसेस में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस तरह का जो लर्निंग लर्नर्स होते हैं उनको एक्टिविटीज़ से भरी क्लास और इनको एक्सरसाइज वाली क्लास में ज़्यादा मतलब फील करते हैं इनको एक्टिविटीज़ वाली क्लास में ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है इसके बाद फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल वाले जो लोग होते हैं इनमें ब्रेन की जो राइट साइड होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है और डोमिनेंट होती है इस तरह के जो लोग होते हैं ये फील्ड डिपेंडेंट होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज़ को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और ये किसी भी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एज अ होल डील करते हैं और ये इमोशनल पीपल होते हैं और इनकी जो मतलब ये लोग जो होते हैं ये कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के ज़रिए से सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल वाले जो पीपल होते हैं ये सोशल बीइंग होते हैं और सोसाइटी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं इनका इंक्लूजन वी कैन से दैट लर्निंग स्टाइल किसी भी लर्नर को जो पता होना चाहिए कि उसको मतलब उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है उसे किस तरह से चीज़ें कोगनीशन करने में मतलब हेल्प करती हैं लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अपने लर्निंग स्टाइल के साथ ज़्यादा चिपकने का नुकसान भी होते हैं इंसान अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन नहीं कर सकता देट ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो